Good evening friends, welcome to UPSC Uran. And आज संडे है तो आज मैंने जैसा कल बताया था कि मैं दो स्कीम्स डिस्कस करूँगा, दो गवर्नमेंट स्कीम्स, और साथ साथ मैं आज से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम प्रीलिम्स का देखते हैं 10 क्वेश्चन, वो तो मैं डिस्कस करूँगा. उसके साथ हम हर संडेज़ को मेंस के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आज मैंने एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है. तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम जो कि पीएम किसान है. सो पीएम किसान स्कीम जो है वो बजट में, इंटरिम बजट में इस साल इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरिम बजट में. और उसके बाद फिर इसको और भी, इसका जो कवरेज एरिया है वो और बढ़ाया गया, वो मैं भी आपको बताऊँगा. तो ये जो मैंने पीआईबी से निकाला हुआ है इसमें, तो बेसिकली ये 28 जून 2019 को जो अपडेट हुई थी कैबिनेट रिजोल्यूशन के बाद, उसके बारे में है. तो पहले क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये अपडेट के बारे में बताऊंगा. बेसिकली पीएम किसान स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन दिस इंटरिम बजट ऑफ दिस ईयर 2019-20 बिफोर द इलेक्शन. सो बेसिकली अर्लियर इट वॉज टू बेनिफिट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओनली whose families are having cultivable land up to 2 hectares. So this criteria was in the earlier PM Kisan that only the small and marginal farmer families or households which are having a cultivable land up to 2 hectares only were eligible for this. And is scheme ke andar hai kya? So direct income support hai un farmers ke liye, jo bhi farmers iske liye eligible hai, 6000 per annum. Aur ye jo hai wo 3 installments mein diya jayega, 2000, 2000 और 2000 के, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा फार्मर्स को. तो और ये जो ट्रांसफ़र होगी, ये पैसे डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में होंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में. और पहला इंस्टॉलमेंट जो था वो 31 मार्च यानी कि इलेक्शन से पहले था, वो हो चुका है ऑलरेडी. तो ये था स्कीम जो लॉन्च हुआ था, द ओरिजिनल स्कीम वॉज दिस. बट आफ्टर, इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द करेंट गवर्नमेंट, they announced that if they came to power they will expand this PM Kisan to cover all the landholders, all the farmers which are having land holdings. So as per their promise on this date, the cabinet passed this resolution on 3rd June, and PIB on this date it was published that the ambit of PM Kisan scheme has been expanded to cover all farmers in the country irrespective of the size of their land holdings. तो पहले जो लैंड होल्डिंग्स की साइज थी उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब सारे फार्मर जिनके पास भी लैंड है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. तो जो एग्रीकल्चर सेंसस डेटा 2015-16 और जो हमने 2018-19 के लिए लिया था, उसके अराउंड में अराउंड 15.11 करोड़ लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे इसके लिए. तो वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं. और as per the provisions of this scheme, the entire responsibility of identifying the eligible beneficiary, मतलब कि जो सारी responsibility होगी इनकी जो beneficiary की, वो state government के पास है, is entrusted to the state governments. ये सारे लोग को identify करेंगे, उनके data को upload करेंगे portal के ऊपर. तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो state government की है. But ये एक centrally sponsored scheme है, मतलब कि total 100% जो भी इसमें पैसे लगा रहे हैं वो central government लगाएगी. उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो पार्ट इसमें, इस वाले स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है, दैट इज़ टू रेगुलरली मॉनिटर द अपलोडिंग ऑफ डेटा बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द स्टेट नोडल ऑफिसर्स ऑफ पीएम किसान एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये सारी चीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, और बाकी सारे काम इम्प्लीमेंटेशन से लेकर आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी या यूटी करेगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि द फार्मर्स हु डू नॉट ओन एनी लैंड आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ उन फार्मर्स के लिए है जिनके पास लैंड अपनी है. तो लैंडलेस फार्मर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. तो और भी बहुत सारे एक्सक्लूजन कैटेगरीज हैं इसमें, सिर्फ ये नहीं कि आप फार्मर हैं तो आपको ये बेनिफिट दे दी जाएगी. ऊपर वाले जो फार्म जो भी क्राइटेरिया, दैट इज यू मस्ट बी होल्डिंग अ लैंड, वो तो है ही. उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया जो उसमें आप अगर फिट बैठते हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, क्योंकि लैंड तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जो होंगे दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, ओनली फार्मर्स आर इंक्लूडेड. देन फार्मर फैमिलीज इन विच वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज, वो सारे फार्मर किसान का परिवार जिसमें कि कोई भी एक इंसान उस परिवार का
इन कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि या तो फॉर्मर या अभी कोई प्रेजेंट होल्डर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का उस फैमिली में, कोई भी एक इंसान, फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, या फिर फॉर्मर और प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, SLA, SLC, या फिर मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सारे में से कोई भी पोस्ट अगर इन्होंने कभी पास्ट में होल्ड किया हो या फिर अभी कर रहे हो तो दे आर नॉट एलिजिबल. देन ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफिसर्स डिपार्टमेंट, तो सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड क्लास 4 और ग्रुप डी एम्प्लॉयज. तो ये वाले लोग इसमें नहीं आते. ये वाले लोग अगर हैं, इनके पास लैंड है और दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, तो ये दे आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स. अगेन ऑल सुपर एनुएटेड रिटायर्ड पेंशनर्स, जो ऑलरेडी रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मंथली पेंशन जो है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है, इसमें भी ग्रुप डी क्लास 4 और मल्टीटास्किंग स्टाफ एक्सक्लूडेड है. देन ऑल पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, मतलब कि किसी ने भी अगर इनकम टैक्स पे करा है दैट मीन्स दे आर अर्निंग एटलीस्ट मोर देन 5 लाख पर एनम, तो सॉरी 3 लाख पर एनम, तो बेसिकली उसके कारण इन लोगों को भी एक्सक्लूड करा गया. एंड अगेन द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, CA, आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल बॉडीज एंड कैरिंग आउट प्रोफेशन बाई अंडरटेकिंग प्रैक्टिस, तो ये सारी एक्सक्लूजन कैटेगरी है. ये सारे लोग जो हैं, अगर कोई भी फैमिली, कोई भी फार्मर फैमिली है उसमें कोई भी एक इंसान या कोई भी एक मेंबर उस फैमिली का ये सारी पोस्ट को अगर होल्ड कर रहा है या फिर कभी कर रखा है तो देयर फैमिली इज नॉट एलिजिबल. तो PM किसान के बारे में यही कुछ जानना था आपको कि अर्लियर इट वॉज लॉन्च टू कवर ओनली मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हु आर हैविंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 hectares, होल फार्मर फैमिली नॉट इंडिविजुअल फार्मर, बट नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर ऑल फार्मर्स हु आर हैविंग कल्टिवेबल लैंड. 6,000 पर एनम, दैट इज द अमाउंट दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर अकाउंट्स, रेस्पेक्टिव अकाउंट, बट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लिस्ट, अपलोडिंग द डेटा ऑन द PM किसान पोर्टल एंड इनेबलिंग द रिलीज ऑफ बेनिफिट्स टू देम. द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज दैट दे हैव टू मॉनिटर द अपलोडिंग ऑफ डेटा बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ऑब्वियसली द मनी इज टोटली बॉन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. So this was all about PM Kisan, that is Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi. Now moving on to the next scheme of this today's lecture, that is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Now this scheme was also announced in the interim budget only. So this basically is a scheme, is a pension scheme for the unorganized sector. Full form is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. And this has been introduced as a pension scheme for unorganized sector to ensure the old age protection for unorganized worker. Unorganized worker in the economy class, I have already told you that all those workers who are working in the unorganized sector, that is no official, they are actually not having a formal, you can say, association with the company. The example of unorganized workers could be home-based workers, street vendors, midday meal workers, then you can say head workers, then block clean workers, cobblers, you can say rag pickers, domestic workers, washermen, rickshaw pullers, landless laborers, own account workers, then construction workers. So all those things, beery workers. So all those are coming under the sector that is unorganized sector. So this scheme is exclusively for unorganized workers and they should be in the age group that is 18 to 40 years. So not before, not after 40 years they are not eligible. If they cross the age of 40 years, so they are not eligible. Okay, so again there are some other criteria also. First is monthly income. I will write here that monthly income should be less than 15,000. Okay. सो ये मंथली इनकम जो है 15,000 से कम होनी चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है. 18 टू 40 इयर्स के बीच में होने चाहिए ये लोग. 40 से ज़्यादा होंगे तो फिर दे आर नॉट एलिजिबल. अगेन दे शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर पेंशन स्कीम, कोई भी और पेंशन स्कीम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम्स, दैट इज EPFO, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं
अगर एक्सक्यूज मी, हाँ तो ये सारी चीज़ें अगर कवर, अगर ये ऑलरेडी किसी स्कीम में है इनरोल्ड तो दे आर नॉट एलिजिबल. ऑल उसके बाद दे शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं दैट मीन्स यू आर अर्निंग अराउंड 3 लाख पर एनम. सो 3 लाख पर एनम को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो दैट कम्स आउट टू बी 20,000 पर मंथ. सो इट इज़ ब्रीचिंग द क्राइटेरिया ऑफ 15,000. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट एलिजिबल दोज हु आर इनकम टैक्स पेयर. तो ये सारी क्राइटेरिया हैं, दैट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ टू बिकम एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम. नाउ वाट दिस स्कीम प्रोवाइड, दिस स्कीम अश्योर्स अ पेंशन ऑफ मिनिमम 3,000 पर मंथ, दैट डिपेंड्स हाउ मच यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स. ओके, सो दिस इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम इन विच द सब्सक्राइबर हु इज सब्सक्राइब टू दिस स्कीम विल गेट अश्योर्ड मिनिमम 3,000 पर मंथ आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स. नाउ इन दिस केस वॉट एवर अमाउंट, सपोज बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू दैट इफ द सब्सक्राइबर डाइज इन आफ्टर 60 ईयर्स और बिफोर 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स इफ ही डाइज देन द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन. यानी वाइफ और हस्बैंड विल बी गेटिंग 50%, बट द फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू अ स्पाउस एंड नो वन एल्स. सो ओनली वाइफ और हस्बैंड कैन अवेल दिस बेनिफिट. देन अगेन इफ सपोज द बेनिफिशियरी हैज गिवन अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दे डाइड बिफोर 60 ईयर्स, so the spouse will be entitled to join and continue the scheme by paying the regular contribution or exit the scheme as per provision of exit and withdrawal. चाहे तो वो 60 साल के पहले अगर कोई इंसान जो इससे सब्सक्राइब कर चुका है वो मर जाता है तो उनका जो स्पाउस होंगे वो या तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर देंगे, जो भी प्रोविजन एग्जिट या विदड्रॉवल का होगा उसके अकॉर्डिंग. कंट्रीब्यूशन जो सब्सक्राइबर का है वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा. और साथ साथ इसमें जो ये चीज़ें हैं कि जैसे कि अभी मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ उसमें बात बताऊंगा आपको कैसे. ये है अगर 18 इयर्स के एज में आपने ज्वाइन करा, सपोज कि आपने 18 इयर्स के एज में यहाँ पे ज्वाइन करा इसको, ठीक है, इंटरेस्ट एज 80 है, 60 साल सुपर एनुएशन एज सबकी है, और तो आपके जो मेंबर का मंथली कंट्रीब्यूशन होगा वो 55 होगा. तो इस स्कीम में द सेम अमाउंट, जितना अमाउंट आप देंगे, यहाँ 55 इज द मिनिमम इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एट द एज ऑफ 18. मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपये दिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट 55 नहीं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 रुपये आपके बिहाफ में उस अकाउंट में डालेगी. दैट मीन्स टोटल कितने पैसे आएंगे, 200 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे. तो मिनिमम जो ये मिनिमम अमाउंट है जिस एज में आप ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ज्वाइनिंग एट द एज ऑफ 18 दैट इज 58, और 58 फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में डालेगी. 20 देन इट इज 61. तो इसमें सबसे नीचे अगर आप जाके देखें जो लास्ट एज है दैट इज 40, तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 200 पर मंथ आपको देना होगा, और इतना ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी. बट ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं. आप 200 के आप यहाँ पे 1,000 भी अगर जमा करेंगे तो गवर्नमेंट आपके तरफ से 1,000 डालेगी, दैट इज 2,000 रुपीज टोटल आपके अकाउंट में जाएंगे. सो द पेंशन स्कीम इज ऑन अ 50-50 बेसिस, जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एज जो है वो 18 to 40 मैंने बता दिया आपको, एंड सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी पेड बाई, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया 28 ईयर्स के एज का, ये वाला 28 years age में if you are joining this scheme then you have to pay minimum 100 per month and central government will also pay 100 on your behalf. तो ये यहाँ पे दिया होगा, ये इस स्कीम के बारे में है. उसके बाद आपको जो भी जिस अमाउंट में आप पे करेंगे उसके हिसाब से आपका मंथली जो है 60 years के बाद बनेगा. ये जो मिनिमम अमाउंट है दैट दिस वन, ये मिनिमम अमाउंट के अकॉर्डिंग 3,000 पर मंथ आपको 60 years के बाद मिलेंगे. इससे ज़्यादा आप जितना देंगे उतना आपका मंथली पेंशन होगा. इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो बनाई गई है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो इनरोल करने के लिए. और सारे इसमें जो ऑल LIC, EPFO, ऑल लेबर ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप ऑफ फैसिलिटेशन डेस्क ये लोग बनाएंगे तो फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं. ये बाकी जो इंटीग्रिटीज़ है कि कितने 10 साल में आप निकाल सकते हैं पैसा, ये इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है नहीं. जो मेन चीज़ इस स्कीम के बारे में आपको जानना था वो होता है एज दैट इज 18 to 40. मैं यहाँ पे सारा कुछ लिख देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है. 18 to 40 ईयर्स एज, उसके बाद 15,000 पर मंथ से लेस होनी चाहिए इनकम.
ठीक है, फिर से एनी अदर स्कीम में नॉट इनरोल्ड, इनरोल्ड नहीं होना चाहिए, ओके okay? उसके बाद नॉन टैक्स पेयर, मतलब टैक्स भी नहीं पे करना है. देन वी हैव 18 to 40. सो दिस फोर आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी प्लस यू, दोनों जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट पे करेंगे. सो जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा आपके बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस अकाउंट में डालेगी, उस पेंशन अकाउंट में डालेगी, और उसके हिसाब से आपका जो मंथली पेंशन होगा वो बनेगा. ये डेटा 23 अगस्त यानी कि परसों तक का है. दैट ऑलमोस्ट दिस मेनी स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन कवर्ड, दिस मेनी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैव बीन कवर्ड, एंड 31,99,254 इनरोलमेंट्स हैव बीन मेड सो फार. सो इट इज़ एक्चुअली अ सक्सेसफुल स्कीम, इट्स अपीयर लाइक दैट ओनली लुकिंग एट द डेटा. सो एंड ऑल्सो फैमिली पेंशन, द प्रोविजन ऑफ फैमिली पेंशन इज देयर ओनली टू रिलेट ओनली टू स्पाउस, लिमिटेड टू स्पाउस ओनली, एंड द अमाउंट विल बी 50% ऑफ द पेंशन ओनली, नॉट फुल. सो दिस वॉज दिस प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन. ओके सो नाउ बोथ द स्कीम्स आई हैव कवर्ड. नाउ आई विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टूडे. एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द प्रिलिम्स क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे इज, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस इन न्यू दिल्ली. आई थिंक वी डिस्कस्ड इट 2 days back, that is a day of before yesterday, that who inaugurated it was held in Delhi only. Then Ministry of Railways have decided to ban single use of plastic with less than 50 micron, because even Prime Minister have called for elimination of this single use plastic. So to achieve the target of plastic free railway, so the what is the deadline. Then where was the 5th India Nepal Joint Commission meeting 2019 held. Then which country was blacklisted by the Asia Pacific Group of FATF for non-compliance? We discussed it yesterday only. Where was the India and US bilateral 2+2 intersessional meeting held? We discussed this also day before yesterday. Then how much amount will be provided as a reward for informants in insider trading cases by SEBI? Then Abdullah Hamdok sworn in as Prime Minister of which country recently, 20th August only. Then who will chair the 28-member advisory committee that was formed for Fit India Movement, which aims to encourage people to inculcate physical activity and sports. Then what was the theme of the International Day of Remembrance of the Slave Trade and its Abolition 2019. Then where is the headquarter of Financial Action Task Force located. So these were the questions. I have also included the answers and explanation. You can go through this. I will attach this file. I will upload this file on my website. So the first question was that who inaugurated, we knew already that Ramnath Kovind. In October 2, 2019, just to celebrate the 150 year birth anniversary of Mahatma Gandhi, the single-use plastic has to be eliminated by that date. Then India-Nepal Joint Commission was held in Kathmandu. Pakistan was banned, or you can say blacklisted. 2+2 dialogue was held at California. 1 crore is the award prescribed by SEBI for informing on the insider trading. Then Abdullah Hamdok has been sworn in as the new Prime Minister of, you can say, Sudan. Then Kiran Rijiju is heading the advisory committee for Fit India. And the International Day for Remembrance of Slave Trade and Abolition adopted by United Nations UNESCO is observed every year on 23 August. So this year's theme was Remember Slavery, the Power of the Arts for Justice. And the last question, that is FATF headquarters is based at the OECD headquarters, that is Paris. So ye prelims question the, aur last mein hum aaj ek mains ka question bhi discuss karenge. तो ये क्वेश्चन है जो इको में मैंने अभी आपको, और फिर न्यूज़पेपर में भी 2-3 चीज़ें मैंने रिसेंटली भी आपको बताई थी इससे रिलेटेड. सो बेसिकली क्वेश्चन इज, इंडियाज लीप ऑफ 23 रैंक्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स.
So they are talking about the India's leap of 23 ranks in the ease of doing business index, ranking insignificant on the 2019 World Bank's this index. Examine the steps taken by government to improve the business environment and challenges remaining. So they are actually talking that India have jumped from 100 to 77 rank in this year's ease of doing business index, which is released by World Bank. So they are asking to write about the steps taken by the government which have improved this ranking and the challenges which is still remaining. So what should be our approach? We should first start with giving the ranking. Just give the what is our ranking. Then we will try to cover the first aspect of the question, that is the steps taken by government to improve business environment. Okay. And the third, then we will describe the challenges. What are the remaining challenges we need to address? And at last, we can give a conclusion that what government should be doing or what government should be focusing on. So in the introduction part, we will start like that. World Bank releases latest report. India has India has recorded a jump of 23 positions against rank of 100 in 2017. So we will start with this. Then in the body, we will talk about the steps taken by the government, like reducing time for providing construction permits. Pehle bahut zyada time lagte the, now it has been reduced to 95 days and cost has also been reduced. So again, this scheme, single window clearance, do not have to go from window to window, for other offices to offices to get multiple clearances. Only single window clearance will work now. Then cross border trade, upgrade in port infrastructure, move to online documentation and facilities for exporters to seal their containers on their own. ये सारे movement जो हैं, जो कि हमने National Trade Facilitation Action Plan में इसको लिया था, तो this has also helped India to move on the cross border trade में भी इसका rank 146 से 80 में चला गया है. तो ये भी ease of doing business index के help rank को overall help करने में काम आया. Then starting new business. So starting new business, that is quicker GST registration is there. Abolition of the site inspection in Mumbai like places led to improvement in starting up a business. That means a business start karna is relatively very easy. To jiske karan jo ease of doing business index ka ranking overall us pe bhi effect pada, because registration wagera bhi, ye bhi jo hamara jo taxation system hai, ye bhi ease of doing business index ka ek parameter hota hai. Also the government has simplified the process of business incorporation, matlab business ko incorporate karne ke liye inhone ek SPICE इंट्रोड्यूस किया, दैट इज स्टैंड फॉर सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी. तो ये फॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ईजी फॉर्म हो गया इनकॉर्पोरेशन के लिए. तो ये इफेक्टिवली क्या करता है, जो पैन है यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर और टैक्स अकाउंट नंबर 10, इन दोनों को सिंगल सबमिशन में मर्ज करता है इस एप्लीकेशन के थ्रू. तो दिस हैज ऑल्सो रिड्यूस द टाइम. देन गेटिंग क्रेडिट हैज ऑल्सो बीन ईजियर विद मेनी स्कीम्स लाइक मुद्रा एंड ऑल दो स्कीम्स हु आर विलिंग टू pay, or you can willing to finance the startups or something like this. So they have reinforced the access to credit by simplifying the rules of priority of secured creditors outside reorganization proceedings. So ये जो है, और उसके साथ साथ new insolvency and bankruptcy code भी जो आ गई है, तो exit problem हमारी दूर हो गई है, जो हमारा exit problem हुआ करता था. That means कि business start तो हमने कर दिया, लोगों ने पैसा भी लगा दिया इस business के ऊपर, ये एक business है, पैसा लगा दिया, बट द प्रॉब्लम वॉज कि इससे एग्जिट नहीं कर पाते थे लोग, बहुत टाइम टेकिंग होता था. ये हमारा चक्रव्यूह प्रॉब्लम भी, इकोनॉमिक सर्वे में इसको चक्रव्यूह प्रॉब्लम भी बोला गया इंडिया का. सो दिस प्रॉब्लम वॉज द एग्जिट प्रॉब्लम. तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, जिसमें कि टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना है और बैंकरप्सी डिक्लेयर करना है, तो ये भी बहुत सारी जो फैसिलिटेशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेकर आया है. जो अभी चैलेंजेस विच आर रिमेनिंग करेंटली इज प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इसका स्कोर अभी भी बहुत ख़राब है, दैट इज़ 166 रैंक. नाउ इट टेक्स 69 डेज इन इंडिया टू रजिस्टर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉस्ट अबाउट 8% ऑफ इट्स वैल्यू, वेयर एज द न्यूजीलैंड हु हैज रैंक फर्स्ट गेट्स दिस डन इन सिंगल डे, एक दिन में, एंड वी आर टेकिंग 69 डेज. अगेन पेइंग टैक्सेज डिस्पाइट द एडवेंट ऑफ GST, इंडिया हैज रिमेन्ड अ बैक बेंचर ऑन दिस एट रैंक ऑफ 121. सो पेइंग टैक्सेज रिमेन्स रिडल्ड विद कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, क्योंकि अभी GST में बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि देर आर सो मेनी, एक्चुअली यू हैव सीन डिवीजन इन GST स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स, GST के रेट्स में भी बहुत सारे डिविजन्स हुए हैं.
तो वो सारी चीज़ों के कारण अभी GST थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट विल टेक वन और टू मोर ईयर्स टू गेट थिंग्स सिंपलर, तो उसके बाद रैंकिंग और भी हमारी सही होगी। तो GST वाला भी अभी एक इशू है। देन इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जुडिशियल डिलेज, वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग इन द जुडिशियरी जिससे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में डिले होता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। Now, when we talk about the conclusion, we can say sustained business reforms over the past several years have helped India jump its ranking. Further areas where challenges still remain should be dealt with priority by including all the stakeholders in the reform process, which will help in identifying measures needed and their implementation. So, they are saying that yes, definitely the sustained business reforms have helped India, but whatever challenges are remaining there, they should be dealt with priority by including all the stakeholders in the reform process, which will help in identifying measures needed and their implementation. So we can conclude in this way that we need to include all the stakeholders in the reform process. So friends, this was the practice mains question which I have decided to put today. Now I think we have covered today's agenda. We discuss both the schemes, we discuss the practice question for prelims and then mains also. So friends, tomorrow, that is Monday, as per our schedule, we will be dealing with the economy, that is economy's lecture number 5, plus the newspaper analysis we will be covering of Monday, because I did not cover the newspaper. We are not going to cover the newspaper analysis for Sundays as of now. We will be covering the entire Sunday's important news in our monthly current affairs compilation, which will be giving you once at the end of every month. So we will be giving you for August, we will be giving you by 7 September. So 7 September ko aapko August ka monthly current affairs compilation milega. उसमें जो है हम सारे संडेज़ के जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स होंगे, संडेज़ को एडिटोरियल तो आता नहीं है, आर्टिकल्स ही होते हैं, तो वो हम लोग जो है आपको कवर कर देंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करके आपको दे देंगे। और बाकी मंडे टू सैटरडे जैसा हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं वैसे डिस्कस करेंगे। कल हमारा इकोनॉमी का क्लास होगा, इकोनॉमी का लेक्चर 5। एंड वन मोर थिंग दैट यू पीपल आर नॉट सेंडिंग डाउट्स और एनी फीडबैक्स, we would love to hear any feedback. So this is our email ID, upscuran@gmail.com. Please send your doubts. If you are not having doubts, then please send your answers, write your answers and send it to us. Or please send some feedbacks that what we need to improve, since we have started just now. So please send your feedbacks that where we should need to improve, which all subjects you want to study after this, आफ्टर इकॉनमी एंड ज्योग्राफी कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी हम आपको इको एंड ज्योग्राफी चल रही है हमारी सपोज, तो इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, ये भी आप सजेशन हमें दे सकते हैं। कोई भी और फीडबैक हो कि हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे वे ऑफ टीचिंग में कोई इम्प्रूवमेंट, या जो भी चीज़ आपको अगर सजेस्ट करना है तो प्लीज़ हमें इस ईमेल आईडी पे सजेस्ट कर दें, upscuran@gmail.com। इस पर हमें ईमेल करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का डिस्कशन चैनल है, दैट इज़ upscuran डिस्कशन पेज करके नाम से है। तो आप इस पर भी हमें अपने डाउट्स, फीडबैक, जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं वो, एंड आई विल आस्क यू टू प्लीज़ राइट दिस आंसर ऑल्सो, ये क्वेश्चन जो मेंस का है ये, और साथ साथ इको का भी मैंने आंसर क्वेश्चन दिए थे, ज्योग्राफी वाले सर ने भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन प्लीज डू राइट एंड सेंड अस टू ऑन आवर ईमेल। एक्चुअली द फीडबैक्स आर वेलकम बिकॉज इट विल गिव अस मोर मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो ऑफ टुडे, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट ईमेल अस और टेलीग्राम अस। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।